अल्लाह तू भी खा ले। गुड, ब्लड प्रेशर भी एकदम नॉर्मल है, उल्टी होने करके एकदम ठीक हो गया। मैं इन्होंने इंजेक्शन दे देना, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, बलवंत काफी सियाना मुंडा है, फिर इन्हें इस तरह क्यों किया? सरदार साहब, डेफिनेटली इसनों कोई दिमागी टेंशन है या फिर किसी ने इसनों हर्ट किया है। अदरवाइज बलवंत इन्ना स्ट्रांग मुंडा है, यहोजा स्टेप ले नहीं सकता। तू दस पुत, क्यों किया इस तरह बलवंत ने? मैनू कहते सी ले तू भी खाला, आपा बे औलाद सदा दी नींद सोचिए। सरदार साहब, मैं क्या सी ना कि जरूर बलवंत नु किसी ने हर्ट किया है, अदरवाइज इहदा इलाज चल रहा है, ये ठीक हो सकता है। डॉक्टर साहब, थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, अधी रात में फटाफट आ गए। सरदार साहब, ये तो मेरा फर्ज है। वैसे जो मैं क्या कि इहदा बहुत ज्यादा ध्यान रखना, हाँ जो मैं क्या उसका जरूर ख्याल रखना। मर्द की यह कमजोरी उसनू हीनता का एहसास दवाती है, खासकर उदो जो कोई दूजा अजिहा मेड़ा मार दे, इस गल का ध्यान रखना। कोई गल नहीं डॉक्टर साहब, तुसी चिंता ना करो, असी सारे जाने इस गल का ध्यान रखांगे। अच्छा सरदार साहब, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आओ डॉक्टर साहब, मैं तुम्हें छड्डा दे। तू अपने वड्डे वीर का ख्याल रखी, इट्स ओके। सुरजीत, मैं अपने घर च पहला भी कई बार घुटन जी महसूस की है, पहला तो कभी इस तरह होया नहीं सी। मैनू कुछ दसोंगे कि नहीं? की दसीए जी, साढ़े घर ते नजर ही लग गई किसी की। मैनू गोल मोड़ के जवाब नहीं चाहिए, साफ साफ दसो। सारे जने एक दूजे तो नजरियां चुराई जाते हैं, कुछ तो है। कौन मारना चाहता मेरे बलवंत? गुरबचन पागल हो गया, आ की बोली जाने? परजाई, तू नहीं विच बोलना, मैं तेरी बहुत कदर करता। पापा प्लीज। कुलवंत, तेनू पता कुछ नहीं? पापा नहीं। रूपी बेटी, तू तू तो नहीं कदरे कुछ कहता? नहीं पापा, मैं क्यों कुछ कहूंगी, ये तो मेरा सुहाग ने। तू इधर आ, कुड़े इधर आ। पहली बारी होया इस तरह, पहली बारी मेरे घर घर के हर कोने चुटते कौड़े धोए नाल मेरा साह घुट हो जाते, कितना कितना अग सुलग रही है। जे तुसी दोवें जानियां इसी तरह ठंडे छिट्टे मारदे रही ना, तो एक दिन इस घर के सड़के सुहा हो जाने। सुहा हूँ कुछ बोलना ही आवी कि नहीं, या मैंने भी किसी दिन बलवंत की तरह नींद दी गोलियां खानी पड़ गया? ना वे, ना वे गुरबचन, ना ना बोले हो जे चंद्रे बोल, ना बोल। असी चाहती हाँ सी कि घर की गल घर च ही रह जाए, शमशेर भाई तुहाडे भरावां वर्गा हो की सोचो, नाले असी ते धीआं बना के लियांदियां सी। ये गल है, जे थोड़े को नवी संभल दी है ना, फिर आए करो इन्हों प्यो बुलाओ। गुरबचन भाई ने ठीक आख्या है, पर जाई तुम इन्हों ज्यादा ही सर चढ़ा रखे है, तुम कुछ ज्यादा ही इन्होंने धीए धीए कर दया रही हो। शमशेर वीर, साढ़िया तो हमेशा धीं ही रहन गियाँ। बाई जी, असी तो झोली अड के नूहां नहीं धीं मंगिया सी। भैन जी की आत्मा ना तड़फो, जे असी उन्हां दियां धीआं नाल नूहां वाला वर्ताव करांगियां तां। जे ज्यादा प्यार सत्कार इन्हां नूं हजम नहीं हुंदा तां जुत्ती फेर के रखो। शमशेर, सानूं तां इह दोवें राणा तों वी वध ने। रूपी, की तकलीफ है तुहानूं दोवां नूं? क्यों मेरी दाढ़ी च खेह पाउण लगियां जे? पापा, मैं कहड़ा कदे कुछ किया है इहनूं? इहो तां गलती है तेरी, तूं ही इहनूं चमला रख्या है। वड्डी है, इहनूं समझा के रख, जे नहीं समझदी मैनू दस। मैं अज की गल नहीं कर रहा, शुरू तो ही तेरी यह भैड़ी आदत रही है। पिंकी,
आ सूट तू पा ले। पिंकी तू आराम ना पढ़, कम मैं कर लेनी है। पापा फिर मैं कड़ा कदे एदा माड़ा कीता? हमेशा इनू छोटी भैन समझ के समझौनी है ना। मैं छोटे जरूर हाँ पर बेवकूफ नहीं। तू तो बहुत ही सियानी हो गई है, बड़िया सियानिया सियानिया गल्ला करन लग पई है, इसे करके तेरिया तारीफा सुन वास्ते मैनू इत्थे आना पिया। तुसी हले जमिया भी नहीं सो, जब तो मैं बाई हुणा नू भरजाई हुणा नू जानदा। भरजाई इस घर च वड्डी आ, बाई छोटी भरजाई बच्चे, इत्थों तक कि मैं भी इन्हां अगे सिर चुका के सतबचन कहिंदे रहे आ। ते तू अपनी वड्डी भैण नू इहो जिहे सड़े होए मेहणे मारन लग पई, ते फेरे ज्यादा शो ऑफ क्यों करदी है? शो ऑफ? भाभी सारा दिन काम करदी है, तू ओदी मेहनत नू दिखावा कह रही है? पिंकी जे बलवंत नू कुछ हो जांदा तां मैं की करदा? तेरी आत्मा तेनू अंदरों लांता ना पाउंदी कि तेरे करके तेरी वड्डी भैण दा सुहाग मैं किवें इस घर च पैर पाउंदा कि मेरी पिंकी दे मेहने करके मेरे बाई ने अपना बेटा खो दिता? क्यों अपनी मरी हुई मां दी कुख नू दाग लाउन लगी है? प्लीज आई एम सॉरी पापा। पिंकी मैं अज बहुत दुखी हाँ, मेरा तेरे सिर ते प्यार भरिया हाथ रखन नू भी जी नहीं करता। सॉरी दी बच्ची, जे अज तो बाद मेरे कन्ना च इहो जी गल भी पई ना तो मैं अपने घर नू ताला मार के किधरे तुर जाना। मैं वार वार बाई हुणा अगे इन्हां देवियां अगे शर्मिंदा नहीं होना चाहुंदा। शमशेर तू क्यों शर्मिंदा होवे? चल कोई गल नहीं, बच्चियां ने आपने समझाता, औरत ही घर उजाड़ती है, औरत ही बसाउंदी है। देखो कुड़े कन्न खोल के सुन लो, जे थोड़े दोहां चों किसे ने कुलवंत जां बलवंत नूं भरावां तों शरीक बनाउण दी कोशिश कीती ना, असीं दोवां भरावां ने किसे गुरुद्वारे जा बैठना है।